मुंडावर उपखंड स्तर पर हरियाल और राजस्थान वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाली तीज के उपलक्ष्य में पंडित रघुनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान और सचिव प्रेमलता शर्मा की अध्यक्षता में 151 पौधे लगाए गए और इनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कैप्टन हजारीलाल गुर्जर ने कहा कि बदलता वैश्विक परिदृश्य और पर्यावरण संरक्षण इस समय एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है। दिन प्रतिदिन पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, जिसके परिणाम हमारे सक्षम उपस्थित हो रहे हैं। कहीं बाढ़ जैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं बादल फट रहे हैं, जिससे भारी जन और धन की हानि हो रही है। आज मानव ने भौतिक तरक्की तो अवश्य की है, लेकिन भौतिकता की आंधी दौड़ में पर्यावरण और पेड़ पौधों से दूर होता चला गया है। इसके परिणाम हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर डी आर शर्मा एवं अभिनव शर्मा ने कहा कि यदि हम मानव सभ्यता और मानव जीवन को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें जल, जंगल और जमीन के संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमें विशेष रूप से जागरूक होना होगा। यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को अच्छा भविष्य प्रदान करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्रारंभ से ही वृक्षों को देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। इस अवसर पर रमेश यादव, पूनम यादव एवं छम्मो देवी सहित अनेक विद्वानों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे गए।